हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्केलर टाइप डिक्लेरेशन देखेंगे। स्केलर टाइप डिक्लेरेशन कम्स इन टू फ्लेवर्स। पहला है कोरसिव, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, और दूसरा है स्ट्रिक्ट। पहले कोरसिव को देखेंगे, देन हम लोग स्ट्रिक्ट को देखेंगे। ओके, सो कोरसिव पहले। तो स्केलर टाइप डिक्लेरेशन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। स्केलर टाइप डिक्लेरेशन का ये एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, ठीक है। यही जो है बाय डिफ़ॉल्ट कोरसिव मोड में रहता है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखा है। स्ट्रिक्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग देखेंगे स्ट्रिक्ट वाले में, लेकिन चूंकि यहाँ कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कोड दिखाई नहीं दे रहा है, एक लाइन ऑफ कोड रहता है जिससे आप स्ट्रिक्ट मोड इसको बनाते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो समझ लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट है ये, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कोरसिव मोड में स्केलर टाइप डिक्लेरेशन आपका है। इस कोरसिव मोड को और डिटेल में जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोड आपने लिखा हुआ है, मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन एड और इंट वेरिएबल, देन इंट बी, इंट ए इंट बी लिखा हुआ है, रिटर्न कर रहे हैं ए बी, और यहाँ मैंने इको किया, इको को छोड़ दीजिए, कॉल किया मैंने फंक्शन को एड लिखकर 2 4, तो ये आपको आउटपुट देगा 6। फिर अगर आप इस तरीके से कॉल करते हैं, इसको एड लिखते हैं और 2 लिखते हैं, जो कि एक इंटीजर है, लेकिन उसके बाद आपने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ, तो ये एक आपको एरर देगा। यानी कि यहाँ आपने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ इंटीजर आना चाहिए और यहाँ भी इंटीजर आना चाहिए, लेकिन आप पहले वाले के लिए तो इंटीजर दे रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले के लिए आप एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एरर देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये आपका है, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 2 लिख रहे हैं, पहला इंटीजर तो अपने इंटीजर दिया, दूसरा आप वैल्यू वाइज देखें तो ये इंटीजर है, लेकिन चूंकि डबल कोट्स के अंदर है तो ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। चूंकि ये एक स्ट्रिंग है तो यहाँ एरर आना चाहिए, लेकिन ये एरर नहीं आएगा, बल्कि आपका आउटपुट देगा 30, क्योंकि ये कन्वर्ट कर पाएगा इसको, इसीलिए ये स्ट्रिंग यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ जब रिसीव होगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और आपको एडिशन होकर 30 आपको आउटपुट मिलेगा। चूँकि यहाँ पॉसिबल है, इसीलिए आपको कन्वर्ट होकर 30 मिल रहा है, पॉसिबल है, प्लस इसमें स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं है। अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन रहे तो इस तरीके से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंटीजर मतलब इंटीजर होगा स्ट्रिक्ट मोड में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन में एड स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, और इसको हम लोग कॉन्केट कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग को, और यहाँ आप इस तरीके से पास करते हैं वैल्यू 2, हेलो, तो ये आपको 2 इज़ कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, यहाँ 2 जो इंटीजर है वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, और हेलो तो स्ट्रिंग में है ही, और आपको दोनों कॉन्केट होकर मिलेगा 2 हेलो, बिकॉज यहाँ स्ट्रिक्ट मोड ऑफ है। बाय डिफॉल्ट कोरसिव मोड ऑन रहता है, स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं रहता है। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि हमें और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये हमारा फंक्शन है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो इसी को लेकर चलते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हम लोगों ने देखा था 2 और 4 का। तो इसको अगर आप सेव करें और इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको 6 आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ ये कोरसिव मोड में है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलर, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोरसिव मोड ऑन है, ठीक है, ये समझना। ओके, जब आप ऐसा लिखते हैं तो आपका आउटपुट जो वो 6 आता है, और आप स्क्रीन पर उसको देख पाते हैं कि 6 है। वाई? बिकॉज ये सही जा रहा है, यहाँ इंटीजर था तो यहाँ इंटीजर आपने पास किया, यहाँ इंटीजर डिमांड था, इंटीजर आपने पास किया, तो जाहिर सी बात है आपका आउटपुट सही मिलेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हटा देते हैं यहाँ से, मैं एक फ्लोट पास करूँगा 2.5, ठीक है, और यहाँ से हम लोग करते हैं 3.2। इसको सेव करें और इसको हम लोग रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ 5 मिलेगा। हम लोग यहाँ डिमांड है इंटीजर का, बट पास कर रहे हैं आप फ्लॉट, तो ये एरर देना चाहिए। बट कोरसिव मोड में क्या होता है कि अगर ये कन्वर्ट कर सकता है तो ये कन्वर्ट कर देता है, जब ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तब आपको एरर शो करेगा। कब देखिए, जैसे कि हम लोग एक इंटीजर यहाँ पास करते हैं और हम लोग यहाँ एक स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग इन द सेंस इस तरीके से हेलो लिखते हैं, इसको सेव करते हैं, और अब देखिए हेलो को तो इंटीजर में नहीं बदला जा सकता, तो ये क्या करता है आपको यहाँ एरर जनरेट करके बताएगा, ठीक है। क्या एरर है देखिए, यहाँ लिखा मस्ट बी ऑफ द टाइप इंटीजर स्ट्रिंग गिवन। ओके, कोरसिव मोड में यही गेम है कि
अगर कन्वर्ट कर सकता है तो कन्वर्ट करेगा, अगर नहीं कर सकता है तो आपको एरर जनरेट करके देगा। लेकिन इसी हेलो को अगर आप वैल्यू के तौर पर लिखें, जैसे कि मैं 20 लिख दूँ, इसको सेव करते हैं और इसको अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ आपको आंसर सही मिल जाएगा जो कि 22 है। ठीक है, अभी यहाँ ये कन्वर्ट कर पा रहा है, इसने कन्वर्ट करके आपको एडिशन दे दिया। ठीक है, अभी एक और चीज़ देखिए, अभी हम लोग 20 और हेलो दोनों को साथ में लिखें तो क्या होगा, सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो यहाँ आपको एक नोटिस मिलेगा, अ नन वेल फाउंड न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड इन लाइन 4, और आपको आउटपुट भी मिल रहा है यहाँ 22 का, यानी कि इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ, इसके वजह से आपको एक नोटिस मिल रहा है और ये आपको रिटर्न कर रहा है 2 और 20 का एडिशन, बिकॉज ये इसको कन्वर्ट कर चुका है। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ये कि किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर कन्वर्ट कर सकता है तो करता है, नहीं कर पाता है तो आपको एरर देता है, सिंपली इतना समझिए। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं कि वाकई में जब ये डेटा यहाँ जाता है तो किस टाइप का रहता है, मतलब मैं कैसे मान लूँ कि मैंने कह दिया कि ये जो 20 गया यहाँ तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और ये एडिशन होकर आपको वहाँ दिखाई दे रहा है, या फिर अगर इसकी बात करें ये जो गया टू यहाँ इंटीजर तो इंटीजर डेटा टाइप में गया और ये 20 स्ट्रिंग में है, लेकिन यहाँ जाकर कन्वर्ट हो गया इंटीजर में और आपको दोनों का एडिशन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कैसे मानूँ, मतलब आप कैसे मानेंगे मेरे स्टेटमेंट को, आप मानेंगे कैसे। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग कि ये जब डेटा यानी कि ये जो पास किया जा रहा है ये डेटा यहाँ जाकर कन्वर्ट वाकई में होता है या नहीं होता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ एक फंक्शन पढ़ेंगे, गेट टाइप फंक्शन। ये गेट टाइप फंक्शन क्या करता है, गेट टाइप फंक्शन एक आर्गूमेंट लेगा और अगर आप इस आर्गूमेंट में कोई वेरिएबल देते हैं तो वह उस वेरिएबल का टाइप आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहीं आपको सबसे पहले इसका एग्जांपल बता देता हूँ, इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले गेट टाइप का जो काम करने का तरीका है उसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि गेट टाइप से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे आने वाले, जैसे कि सब कुछ हम लोग ठीक से देख पाएँ। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया पूरे को, और अरे इसको मैंने पूरे को कमेंट कर दिया। मैं यहाँ से आपको एक गेट टाइप का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इक्वल, ये ले रहा ना ए इक्वल 34। ठीक है, उसके बाद एको करते हैं, गेट टाइप करते हैं, गेट टाइप, और यहाँ इसका वेरिएबल लिख देते हैं, ये ए वेरिएबल, एको कर देते हैं इसको। ठीक है, एको नहीं करने से नहीं आएगा, एको किया मैंने तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है इंटीजर डेटा टाइप में बदल दिया गया, ये जो वेरिएबल है। अगर आप यहाँ स्ट्रिंग लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग दे दिया कि हेलो, सेव किया, अच्छा स्पेलिंग कोई भी हो, हेलो लिखा मैंने, ये स्ट्रिंग है तो आपको यहाँ रिटर्न में उसका डेटा टाइप निकाल कर देगा ये स्ट्रिंग। उसी तरीके से अगर आप यहाँ फ्लॉट लिखते हैं, फ्लॉट एक्चुअली ये डबल बताएगा आपको, इस मैंने सेव किया और हम लोग इसको अगर रिफ्रेश करें तो ये आपको यहाँ डबल दिखाई देगा। ठीक है, गेट टाइप इस तरीके से काम करता है और गेट टाइप आपको उस वेरिएबल का टाइप बताएगा। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ और देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वाकई में जो डेटा हमारा यहाँ जा रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिटर्न को रहने देते हैं और यहाँ एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है इको, इको मैंने लिखा, देन होपफुली कि आप लोगों को दिखाई दे। ओके, ये चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो, इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट के अंदर में लिखा हुआ है। आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पढ़ा होगा होपफुली, तो आप लोगों को सिंगल कोट और डबल कोट के बीच डिफरेंस भी पता होगा। मैंने गेट टाइप और इस ए को यहाँ लिख दिया है जिससे हमें पता चले कॉन्केट, देन डबल कोट के अंदर टाइप, यहाँ मैं लिखता हूँ टाइप वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल एंड वैल्यू इक्वल, यहाँ जो भी वैल्यू होगा वो। ठीक है, उसके बाद एक न्यू लाइन दे देते हैं वरना ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद सेमी कलन देना है यहाँ, और इसी को कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हमें सिर्फ बी को इसमें लिखना है, तो हम लोग इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ हम लोग बी कर देते हैं, ये बी का वैल्यू हमें देगा, और यहाँ से बी वेरिएबल का टाइप हम लोग देख लेंगे और यहाँ टेक्स्ट के तौर पर हमारा बी प्रिंट हो। मैं ये कोड आपको समझा देता हूँ एक लाइन, बिकॉज अगर किसी को नहीं पता चल पा रहा है, तो इको क्या है, मैंने ये मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये वेरिएबल के तौर पर नहीं बल्कि टेक्स्ट के तौर पर देखा जाएगा और ये आपको एज इट इज़ डिस्प्ले होगा आपके ब्राउज़र में। देन कॉन्केट क्या है, और गेट टाइप यानी कि इस वेरिएबल का जो भी टाइप होगा वो आपको डिस्प्ले होगा इस पूरे फंक्शन की वजह से। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्केट क्या है मैंने, देन हम लोग डबल कोट्स के अंदर इसको लिख रहे हैं कि टाइप वेरिएबल एंड वैल्यू
इक्वल, यहाँ जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा चूंकि ये डबल कॉट के अंदर है, तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, देन लाइन ब्रेक, उसके बाद सेम वही चीज़ें बी के लिए भी, इसके बाद एडिशन होकर आपको मिलेगा और न्यू लाइन आई होप कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, ओके यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको सेव करते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट फिर आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। ओके सबसे पहले उसी को देखते हैं, फॉलो करते हैं, मैंने 2 और 4 यहाँ सेव किया। सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको प्रॉपरली यहाँ दिखाई देगा कि ए वेरिएबल जो है, अच्छा इसमें हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया, ठीक है इसको ज़रा सा क्लियर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सेव करते हैं और सेव करके इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, अभी सब कुछ ठीक से दिखाई देगा। ओके वेरिएबल ए जो है इज़ इंटीजर टाइप का है, ये हमने लिख दिया है कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है, मतलब लिखा नहीं है ये, इस गेट इस चीज़ से हमें रिटर्न मिल रहा है, इस चीज़ से ये जो जिस भी टाइप का होगा वो टाइप आपको यहाँ रिटर्न मिल जाएगा, तो इंटीजर टाइप का, इसलिए आपको यहाँ इंटीजर टाइप रिटर्न मिल रहा है और इसका वैल्यू कितना है 2 है। उसी तरीके से बी इंटीजर टाइप का है और वेरिएबल एंड वैल्यू आपको 4 मिल रहा है। वहीं अगर आप इसको अगर फ्लॉट पास करते हैं, इनकेस 2.5 और मैंने इसको पास कर दिया 1.2, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करें तो अभी देखिए कि ये जाकर यहाँ यहाँ हम लोग पास तो फ्लॉट कर रहे हैं बट यहाँ ये जाकर क्या बन रहा है वही आपको यहाँ दिखाई देगा। सो सेव किया मैंने, सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल ए जो है वहाँ जाने के बाद भले आपने पास फ्लॉट किया हो बट वहाँ जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में और आपको वैल्यू 2 ही दिखाई देगा। मैंने पास किया है 2.5 बट ये जाता यहाँ 2 है, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर डाटा पे ये पॉइंट के बाद वाले को होल्ड नहीं करेगा, ओके इसलिए 2 होल्ड करता है और ये सिर्फ 1 होल्ड करता है और आपको यहाँ दिखाई देता है 2, 1 और दोनों ही इंटीजर डेटा टाइप का। उसी तरीके से यहाँ अगर आप पास करते हैं हेलो तो ये तो रन करेगा ही नहीं। सेव करते हैं, पता नहीं ये स्पेलिंग में गलती नहीं, अच्छा जो भी है इसको अगर आप अभी रन करेंगे तो ये रन करेगा नहीं, ये आपको एरर देगा, तो ये तो एरर ही है। अब इसमें अगर आप 20 लिखते हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा था, तो ये हम लोगों ने देखा था, इसको हटा देते हैं, हम लोगों ने देखा था कि 20 भी यहाँ जाकर इंटीजर हो जा रहा था। चलिए देखते हैं कि वाकई में इंटीजर होता है या फिर ये स्ट्रिंग ही हमें रिटर्न करके देता है यहाँ से। सो सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि ए वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, बी वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का है, दोनों का आप यहाँ वैल्यू भी देख सकते हैं और आपको यहाँ एडिशन रिजल्ट भी मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ अगर आप हेलो करें मतलब दोनों को साथ में, तो आप सेव करें और इसको अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ आपको इस ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल एंड वैल्यू 2 है और बी वेरिएबल में असाइन हो गया है जो कि इंटीजर टाइप का है और वैल्यू असाइन हो गया 20, इसी वजह से आपको 22 रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक लिखा हुआ नोटिस कि नॉन वेल फॉर्म्ड न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड इन लाइन नंबर 5। ओके सो ये नोटिस भी दे रहा है साथ में, इसको चूंकि कन्वर्ट कर पा रहा है इंटीजर में इसीलिए आपको ये आउटपुट भी दे रहा है। सो ये पूरा स्केलर टाइप डिक्लेरेशन का कोर्सिव मोड है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके इसमें हम लोगों ने देख लिया कि वाकई में जो कन्वर्ट होता है यानी कि यहाँ हम लोग पास करते हैं कुछ वहाँ जाकर इंटीजर हो जा रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने लिखा वही हो जा रहा है, तो क्या ये होता है या नहीं होता हम लोगों ने गेट टाइप के थ्रू यहाँ देख लिया। अब सेम एक और एग्जांपल देखते हैं, इनकेस अगर हम लोग इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, मैंने इसको स्ट्रिंग किया और इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको कॉन्केट कर देते हैं, यानी कि प्लस, अब स्ट्रिंग है तो प्लस तो होगा नहीं, कॉन्केट ही होगा, बाकी हम लोग सब कुछ सेम रखते हैं और फिर से उसी वैल्यूज़ को पास करते हैं, यानी कि 2 इंटीजर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। यानी कि 2 इंटीजर पास करेंगे तो हम लोग का होना ये चाहिए कि दोनों ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और आपको कॉन्केट करके मिलना चाहिए। ओके यहाँ आपको डेटा टाइप मिल जाएगा कि किस डेटा टाइप का है, वो पास कर रहे हैं इंटीजर लेकिन देखते हैं कि यहाँ जाकर ये क्या बनता है। तो सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आप यहाँ देखेंगे, जस्ट अ मिनट, ओके रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि ए वेरिएबल में जो भी था जो कि इंटीजर था लेकिन यहाँ आकर ये स्ट्रिंग टाइप का बन जा रहा है जिसका वैल्यू 2 है और बी जो कि इंटीजर था बट यहाँ आकर स्ट्रिंग टाइप का बन जा रहा है और ये 4 और दोनों कॉन्केट होकर आपको 2, 4 मिल रहा है। ये एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं है, कॉन्केट हुआ 2 और 4 सिंपली, ठीक है। सो ये है, अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें तो आप यहाँ हेलो लिख लीजिए या फिर पहले फ्लॉट देख लेते हैं, अगर फ्लॉट देख रहे हैं तो 2.5 करते हैं और एक और फ्लॉट देते हैं 2.1.3 या फिर कुछ भी आप देख सकते हैं, फ्लॉट लिखा मैंने, इसको
रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि फिर से ये फ्लॉट, पास तो फ्लॉट हुआ बट ये वहाँ जाकर स्ट्रिंग बन गया दोनों ही वेरिएबल, और ये असाइन हो गया और यहाँ आपको कौन के ठोकर मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ अगर आप चेंज करते हैं, इसको टू कर देते हैं वापस से, और इसको हम लोग एक स्ट्रिंग देते हैं जो कि हेलो है। इसको सेव करें और इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो यहाँ आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग बन जाता है वहाँ जाकर। ये इंटीजर था बट स्ट्रिंग बन गया है, अब ये स्ट्रिंग है यानी कि डबल कॉट में है ये, ठीक है। और ये तो स्ट्रिंग था ही, दोनों कॉन्केट होकर आपको टू हेलो मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ अगर आप लिखते हैं 20, ठीक है, ये लिख दीजिए 20, सेव किया मैंने तो ये इंटीजर पास हो रहा है बट ये अभी भी स्ट्रिंग बन जाएगा, और 20 तो आपका स्ट्रिंग है ही, आपको ये 220 मिल जाएगा कॉन्केट होकर। उस तरीके से 20 और हेलो लिखते हैं आप तो इस बार ये भी स्ट्रिंग बनेगा और ये भी स्ट्रिंग बनेगा और ये हेलो तो स्ट्रिंग है ही। सेव करते हैं और सब कुछ कॉन्केट होकर यानी कि सब कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर और कॉन्केट होकर आपको इस तरीके का आउटपुट मिल जाएगा। ओके सो ये पूरा गेम है स्केलर टाइप डिक्लेरेशन का कोरशिप मोड का। मैं कंक्लूड करता हूँ इस पूरे वीडियो को। टाइप स्केलर टाइप डिक्लेरेशन में कोरशिप मोड में ये जिस चीज़ को कन्वर्ट कर सकता है उसको कन्वर्ट करता है, और जिसको नहीं कन्वर्ट कर सकता है उसको कन्वर्ट नहीं करता। सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एग्जांपल यहाँ दिखा सकूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रिक्ट मोड देखेंगे, यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ कोई स्ट्रिंग पास करे। अगर मैंने यहाँ इंट लिखा हुआ, यहाँ भी इंट लिखा हुआ, या फिर मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखा हुआ यहाँ, और यहाँ से इंटीजर पास करने पर भी ये रन कर रहा है और आपको आउटपुट मिल रहा है, ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग ही पास करे, अदरवाइज़ ये फंक्शन रन ही ना करे। तो उस केस में आप स्ट्रिक्ट मोड ऑन करते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।